आज मैं बनाऊंगी तिल की बर्फी। मैं आपको बहुत ही इजी वे से बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने घी भी यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली जो पंजीरी है या लड्डू है उनमें बहुत ज़्यादा घी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए आपको चाहिए। ये तिल लिया है मैंने, ये मेरे 2 बाउल हैं। एक बाउल मेरा 250 ग्राम का है, तो टोटल तिल मैंने लिया है 1/2 किलो। ये मैंने सिर्फ 1 स्पून घी यूज़ किया है, इससे भी हम कम यूज़ करेंगे बस उसको बर्फी जमाने के लिए। और लिया है मैंने काजू, काजू है मेरे 15-20, इनको हम हल्का सा दरदरा क्रश कर लेंगे। ये लिए है मैंने पिस्ता, पिस्ता ये होता है ना, इसको मैंने पहले से ही छील के रख लिया है, छिलके से अलग कर दी है सभी मैंने। पिस्ते हैं मेरे करीब 10-12 पिस्ता, अपनी इच्छा से कोई भी और ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और लिया है मैंने ये पतंजलि का मधुरम आता है, इसको भी मैंने 1/2 kg यूज़ किया है। मीन्स जितना आप तिल लेंगे उतना ही आप या तो शक्कर ले लीजिए या गुड़ लेकर उसको क्रश कर लीजिए मिक्सी में, या पतंजलि का मधुरम आता है उसको ले लीजिए। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं ये तिल डाल दूंगी और इसको हम 2 मिनट तक हल्की गैस पर भुनेंगे। इसको मैं हल्का हल्का भून लेती हूँ, इसमें आपको चट चट की आवाज़ आने लगेगी। ये देखिए मेरे ब्राउन कलर के हो चुके हैं, और आप चेक कर लीजिए अगर आपका ऐसा कलर नहीं आया है लाइट ब्राउन कलर का और आपकी गैस अभी ऑफ है, तो आप दोबारा से ऑन करके उसको हल्का और भून लीजिए, क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका तिल कम है तो वो जल्दी भून जाएंगे 1 ही मिनट के अंदर ही, क्योंकि बहुत हल्का तिल होता है, बहुत जल्दी से ये चटक जाते हैं, आई मीन जल्दी से भून जाते हैं। और ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपको शायद टाइम भी लग सकता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसको आपको हल्की गैस पर ही रखना है और बहुत तेज़ गैस पर नहीं रखना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इनको मैंने इसमें हल्का दरदरा कूट लिया है, ये मेरे काजू हैं, इसमें मैं अलट से निकाल देती हूँ। अब इसी तरह जो हमारा पिस्ता है उसको भी मैं दरदरा कूट लेती हूँ, इसी तरह मैंने पिस्ता है उसको भी हल्का दरदरा कूट लिया है। अब हम मिक्सी जार लेकर उसमें हम डालकर इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे। आप चेक कर लीजिएगा ये थोड़ा ठंडा हो जाए तिल आपका, नहीं तो क्या होगा, आपका ये तिल पूरा मिक्सी में से बाहर आ जाएगा, जो आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आप बना नहीं पाएंगे पंजीरी। मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इसको या तो पाउडर बना लेंगे अपनी इच्छा से, या इसको हल्का दरदरा कूट लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा है। मैं इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेती हूँ। मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है, देखिए बिल्कुल इसका फाइन पाउडर बना लिया है। आप अपनी इच्छा से चाहे बिल्कुल इसको पाउडर बना सकते हैं या हल्का दरदरा भी पीस सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी पीस जाता है मिक्सी में, सिर्फ एग्जैक्ट 3 मिनट्स में ये बिल्कुल परफेक्ट पीस जाता है। इसी तरह मैंने जो और मेरे तिल बचे थे उनको मिक्सी में डाल दिया है, अब इसका भी मैं फाइन पाउडर बना लूंगी। देखिए मैंने इसका भी फाइन पाउडर बना दिया है, अब हम इसको फिर से कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है सारा तिल का पाउडर, अब मैंने गैस ऑन कर दी है और मेरी जो गैस है वो हल्की है, हल्की कर रखी है मैंने। अब इसमें हम जो हमारा मधुरम है उसको ऐड कर देंगे, और दूसरा मधुरम भी हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और गैस हमारी ऑन रहेगी। इससे क्या होगा, जो आपका ये पूरा तिल है और मधुरम है ये इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, और जो आपका मधुरम है वो हल्का सा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको हमने 2 मिनट तक कर लेना है सब कुछ इकट्ठा, इससे आपका पूरा मिक्सचर इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने एक थाल लेकर उसके ऊपर घी लेकर ब्रश से पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। सर्दी बहुत है इसलिए जमा हुआ दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, जब हम बर्फी डालेंगे तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। अच्छे तरीके से पूरा इसको घी से स्प्रेड कर दीजिएगा, और देखिए जो मेरा घी है वो मेरा सिर्फ इतना ही यूज़ हुआ है। अब ये घी मुझे इसमें पंजीरी में बर्फी में यानी कि यूज़ नहीं करना। अब मैं इसमें 1/2 बाउल दूध डाल दूंगी, इससे क्या होगा, क्योंकि हमने शक्कर लिया है, मधुरम जो होता है वो शक्कर का फॉर्म ही होता है,
इसे इकट्ठा हो जाएगा और पंजीरी की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए आपका जगह छोड़ रही है, यानी कि आपकी पंजीरी बर्फी बनकर रेडी है। इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, और मैं सारा ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने रोक दिया है। इसी तरीके से पिस्ता भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा रोक दिया। अब मैं इस स्टेज पर गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए मैंने कढ़ाई में से पूरी थाल पर अच्छे से स्प्रेड कर दी है। अब इसके ऊपर हम जो हमारा ड्राई फ्रूट था उसे गार्निश कर देंगे, और इसको हम ठंडी होने के लिए रख देंगे। और जो काजू है उससे भी इसको डेकोरेट कर देते हैं अच्छे तरीके से। अब मेरी पंजीरी जम चुकी है, ये मैंने करीब आधे घंटे के लिए बिल्कुल ठंडा होने रख दिया था। वैसे भी सर्दियां हैं तो अच्छे से ठंडी हो जाती है जल्दी। अब इसको हम इस तरह के पीसीज में कट कर लेंगे। मैंने इस तरह से पहले एक लाइन दिया, पूरा कट कर दिया। ये मेरा रेक्टेंगल शेप में है, सॉरी स्क्वायर शेप में है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। फिर मैंने इसको पलट कर फिर इस तरह से फिर से क्रॉस कर दिया, मीन्स स्ट्रेट लाइन कट कर ली इसकी। ये मेरी पूरी जो बर्फी है उसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है पीसीज में। अब इसको मैं अलग से बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैंने थोड़े से पीसेस निकाल के इसमें अलग कर लिए हैं। ये मेरे बनकर रेडी हैं, तो आप इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। आप इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। और जो ये हमारा तिल है, ये आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसे बना के ट्राई भी कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक से शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।